السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. بلوغ المرام من أدلة الأحكام کی حدیث نمبر 40 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی مشہور صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. سمعت का माना होगा मैंने सुना. समितु मैंने सुना. यकूलु कहते हुए. यकूलु का माना होगा कहते हुए, फरमाते हुए, कहते हुए. इन उम्मती यातून यौमल क़ियामा. इन माने बेशक. इन माने बेशक, यकीनन, बिला शुबहा. उम्मती मेरी उम्मत. उम्मती का माना होगा मेरी उम्मत. यातून यौमल क़ियामा. यातून अता याति माने आना. यातून आएगी. अता याति माने आना. यातून वो लोग आएंगे. यातून वो लोग आएंगे. इन उम्मती यातून बेशक मेरी उम्मत के लोग आएंगे, ऐसा तर्जमा कर सकते हैं, या मेरी उम्मत आएगी. यौमल क़ियामती क़ियामत के दिन. यौमल क़ियामती क़ियामत के दिन. यौम माने दिन. गुर्रन गुर कहते हैं सफ़ेदी को. गुर माने सफ़ेदी. अरब में गुर घोड़े की पेशानी में या चेहरे वगैरह में जो चमक होती है, सफ़ेदी होती है, उसको गुर कहते थे. गुर यानी चेहरे की सफ़ेदी, यानी घोड़े के चेहरे की सफ़ेदी. मुहज्जिलीन. मुहज्जिलीन जो घोड़े की टांग में, पाँव में सफ़ेदी हो. घोड़े के हाथ और पाँव में जो सफ़ेदी हो उसको मुहज्जिल कहते हैं. मिन अथरिल उदू. अथर माने अलामत, निशानी. फमन इस्तका मिनकुम अन युतील गुर्रतहु फलयफ़अल. फमन माने तो जो शख्स. मन माने जो. इस्तता कि माने ताकत रखना. इस्तता माने ताकत रखना, इस्तताअत रखना, कुव्वत रखना. मिनकुम माने तुम में से. अन युतील माने तर्जमा होगा ये कि लंबा करे, ये कि लंबा करे, ये कि बढ़ा दे. अयुतीला ये कि लंबा कर दे, बढ़ा दे. गुर्रतहु. गुर्रतुन माने चमक, रोशनी, सफ़ेदी. गुर्रतुन माने चमक, सफ़ेदी, रोशनी. फल यफ़अल चाहिए कि वो करे. फल यफ़अल चाहिए कि वो करे. हदीस का तर्जमा देखिए. हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस हैं. काला कहते हैं समितु रसूल अल्लाह कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना है. यकूलो कहते हुए. मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है. आपने क्या सुना है, ये नबी ने क्या कहा है, वो आगे आ रहा है. इन उम्मती यातून बेशक मेरी उम्मत आएगी. इन उम्मती बेशक मेरी उम्मत. यातून आएगी.
या मेरी उम्मत के लोग आएंगे, यौमल क़ियामती क़ियामत के दिन, गुर्रम मुहज्जिलीन, गुर्रन मुहज्जिलीन, हाथ और पांव चमकते हुए, गुर्रन वो सफ़ेदी जो पेशानी पर होगी, मुहज्जिलीन वो चमक जो हाथ और पांव में होगी, यानी मेरी उम्मत के लोग इस हालत में आएंगे कि उनके हाथ और पांव और चेहरा चमक रहा होगा। क्यों चमक रहा होगा? मिन असरिल वुदू, वुदू के असर की वजह से, वुदू के असर की वजह से, नहीं आदाए वुदू को जो धुला जाता है, ये जो धुल रहे हैं दुनिया में, साफ कर रहे हैं, पाक कर रहे हैं, धुल रहे हैं, कल क़यामत दिन ये चमक रहा होगा, कल क़यामत दिन ये चमकेगा। फ़मन इस्तता मिनकुम अन युतील गुर्रतहु फलयफ़अल, यानी नबी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, फ़मन इस्तता मिनकुम, अब तुम में से जो ताकत रखे किस बात की, अन युतील गुर्रतहु, कि वो अपनी चमक को, अपनी रोशनी को बढ़ाए, ज़्यादा करे, लंबा करे, फलयफ़अल, चाहिए कि वो करे, चाहिए कि वो करे। मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी मुस्लिम की रवायत है, वह लफ्ज़ लिमुस्लिमीन, और अल्फाज सही मुस्लिम के हैं। इस हदीस में वज़ू की फजीलत बयान की गई है, वज़ू की फजीलत बयान की गई है। क्या फजीलत है? कि ये जो दुनिया में हम हाथ और पांव और चेहरा धुल रहे हैं वज़ू में, ये कल क़यामत दिन चमकेंगे, क़यामत के दिन ये सब चमकेंगे, रोशनी पैदा होगी जिससे आदमी का चेहरा खूबसूरत नज़र आएगा, हाथ भी चमकेगा, पैर भी चमकेगा, चेहरा भी चमकेगा। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ है, फ़मन इस्तता मिनकुम अन युतील गुर्रतहु फलयफ़अल, तुम में से जो ये ताकत रखे इस बात की कि वो अपनी चमक को या अपनी रोशनी को लंबा करे या बढ़ा दे या ज़्यादा करे, फलयफ़अल, चाहिए कि वो करे। इस जुमले के बारे में अहले इल्म ये कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात नहीं है, यानी हदीस में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, फ़मन इस्तता मिनकुम अन युतील गुर्रतहु फलयफ़अल, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कलाम नहीं है, बल्कि ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात है, ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना कलाम है। यहाँ पर जो हदीस में कहा गया है कि वो अपनी चमक को बढ़ा दे, जो ताकत रखे बढ़ा दे, तो बढ़ाने के बारे में उलमा ये कहते हैं कि एक माना इसका ये है कि आधा वज़ू को, आधाए वज़ू को जो बताया गया उससे ज़्यादा धुल ले, जैसे हाथ है, हाथ कोहनी तक धुलना है, अब उसको कंधे तक बढ़ा ले, यहाँ तक धुल ले, एक माना ये हुआ। दूसरा माना इसका ये हुआ कि हर उज़्व को तीन मरतबा धोए, हर वज़ू को तीन मरतबा धोने, अच्छी तरीके से इसको बार बार धुले, तो इससे चमक ज़्यादा होगी, जितनी बार धुलेंगे उतनी चमक ज़्यादा होगी। इसका एक मफहूम उलमा इकराम यही बतलाते हैं कि आदमी का वज़ू तो सही है, आदमी वज़ू करके बाकी रखा है, यानी असर की नमाज़ पढ़ा है, मगरिब में वो बावज़ू रहेगा, मगरिब में वज़ू किया है, ऐशा तक वो बावज़ू रहेगा, लेकिन अब चूँकि नमाज़ पढ़ना है तो फिर से वज़ू बना ले, एक माना ये भी है। तो बार बार वज़ू करेंगे तो बार बार मतलब ये धुलेंगे, साफ करेंगे, तो कल क़यामत दिन और लंबा होगा, चमकेगा। तो ये तीन माना उलमा बयान करते हैं कि जो चाहे अपनी चमक को बढ़ा दे, एक माना ये कि हाथ से बढ़ा दे, यानी जो मकदार धुलने के लिए बताया गया है उस मकदार से आदमी लंबा कर दे, यानी हाथ है कोहनी तक धुलना है उसको कंधे तक धुल ले, पैर को टखने तक धुलना है अब टखने से ऊपर धुल ले, एक माना ये है। दूसरा माना ये है कि आदमी तीन मरतबा धुले, जबकि एक मरतबा धुलना ज़रूरी है, तीन मरतबा धुलना मसनून है, तीन मरतबा धुल ले, या आदमी का वज़ू है लेकिन आदमी फिर दोबारा वज़ू कर ले, तो जब बार बार वज़ू करेगा, बार बार धुलेगा, तो ये उसकी पेशानी में या उसके कल क़यामत में उसकी चमक में इजाफे का सबब बन सकती है। हदीस का तर्जुमा फिर से देखिए, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है कि इन उम्मती यातून यौम अल-क़ियामा, बेशक मेरी उम्मत के लोग आएंगे, मेरी उम्मत के लोग आएंगे, गुर्रन चेहरा चमकते हुए, गुर्रम मुहज्जिलीन हाथ और पांव चमकते हुए, गुर्रम मुहज्जिलीन
इस हाल में आएंगे कि उनका चेहरा और उनका हाथ और पांव चमक रहा होगा। मिन असरिल वजू, वजू के असर की वजह से, निशान की वजह से, यानी जैसे दुनिया में हाथ धुलते थे, चेहरा धुलते थे, तो उसके धुलने की वजह से आखिरत में ये चमक रहा होगा। फमन इस्तता, अबू हुर्रा कहते हैं कि अब तुम में से जो ताकत रखे, अयुकील गुर्रतहु, कि वो अपनी चमक को, अपनी रोशनी को और अपने सफ़ेदी को बढ़ाना चाहता है, फल यफाल तो बढ़ाए। जैसे वजू करने से कल क़यामत दिन उसकी पेशानी पर, उसके चेहरे पर, उसके हाथ पर चमक पैदा होगी, तो दुनिया में वो चाहे कि बढ़ाए, यानी खूब खूब वजू करें, ज़्यादा ज़्यादा वजू करें, बार बार धुलें। मतलब ये बार बार धुलने का मतलब ये नहीं कि 10 मरतबा धुला जाए, मतलब ये कि एक उज़ू को 3 मरतबा धुलना है, 3 मरतबा से ज़्यादा नहीं धुलना है। इस हदीस से जो बात मालूम हुई वो ये कि उम्मत मुहम्मदिया के वो लोग जो वज़ू बनाते हैं, उम्मत मुहम्मदिया के वो लोग जो वज़ू बनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ऐसे लोग कल क़यामत के दिन जब उठाए जाएंगे तो उनके हाथ और पांव चमक रहे होंगे। यानी जब उम्मत मुहम्मदिया के नमाजी लोगों को उठाया जाएगा, ज़िंदा किया जाएगा, तो हश्र के मैदान में जब ये आएंगे तो कैसे होंगे? इनका हाथ चमक रहा होगा, इनका चेहरा चमक रहा होगा, इनका पैर चमक रहा होगा। ये बहुत बड़ी फजीलत है, ये पहली बात मालूम हुई। दूसरी बात ये मालूम हुई कि इन नमल जज़ा व मिन जिन्सिल अमल, आदमी जैसा करेगा वैसा पाएगा। दुनिया में आदमी बार बार वजू करता है, धुलता है हाथ पांव, कम से कम दिन में, एक दिन में 5 मरतबा वजू करता है, तो हाथ पैर धुल रहा है, दुनिया में सफाई हो रही है, ये बार बार धुल रहा है तो आखिरत भी चमकेगा। इन नमल जज़ा व मिन जिन्सिल अमल, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तीसरी बात ये मालूम हुई कि आखिरत बरहक है। तीसरी बात क्या मालूम हुई कि आखिरत बरहक है, यानी उठाया जाएगा, ज़िंदा किया जाएगा। यही कहा कि मेरी उम्मत के लोगों को, मेरी उम्मत के लोग आएंगे, मतलब कि ज़िंदा किया जाएगा, तो आखिरत बरहक है, क़यामत का दिन बरहक है। चौथी बात ये मालूम हुई कि हिसाबो किताब होगा, हिसाबो किताब होगा। ये तो कहा कि मतलब मेरी उम्मत के लोग आएंगे, उनकी पेशानी और उनके हाथ और पांव चमक रहे होंगे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो आएंगे और चमक रहेगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। हिसाबो किताब होगा, पूछा जाएगा, नेकियों को तौला जाएगा। जी, पांचवी बात ये मालूम है कि उम्मत मुहम्मदिया की बड़ी फजीलत है, उम्मत मुहम्मदिया की बड़ी फजीलत है। वो फजीलत आपके सामने है कि उम्मत मुहम्मदिया के हाथ और पांव चमक रहे होंगे, उसके अलावा किसी भी उम्मत का हाथ पांव नहीं चमकेंगे। इसलिए बात हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा कि मैं, मुस्लिम की रवायत है कि मैं तुम लोगों को लोगों में से ऐसे ही छांट दूंगा, लोगों में से तुम लोगों को ऐसे ही अलग कर दूंगा जैसे तुम लोग अपने दूसरे जानवर के लोगों को हगा देते हो। जैसे तुम्हारे बाड़े में तुम्हारे जानवर जहाँ खाना खा रहा है, कोई दूसरा जानवर आ जाए तो आदमी क्या करता है, उस जानवर को भगा देता है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैं ऐसे ही तुम लोगों को लोगों से अलग करूंगा जैसे तुम में से अपने जानवर को लोगों के जानवर से अलग कर लेते हैं। लोगों ने कहा कि आप हमको पहचान लेंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मैं लोगों को, तुम लोगों को पहचान लूंगा, तुम्हारी निशानी होगी। क्या निशानी है? हदीस में कहा गया कि मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन आएंगे, उनके हाथ और पांव, पेशानी चमक रहे होंगे। तो ये वज़ू की फजीलत है, उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लोगों को पहचान लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको और सारे मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।